नमस्ते, चरण स्पर्श और सभी को प्रणाम। मेरा नाम अमित कुमार श्रीवास्तव है और मैं किच्छा में रहता हूँ। किच्छा जो कि उधम सिंह नगर जिले की और उत्तराखंड में एक छोटी सी जगह है, जहाँ पे हम लोग अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत सारे सेवाओं को हम यहाँ पे हम लोग संचालित कर रहे हैं। उनमें से मुख्य रूप से समाज के जो भी पिछड़े जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवाएं हम लोग लगातार पहुंचा रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, लाइवलीहुड, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन आदि जो प्रमुख ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, उनको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी संस्था जनपद में विगत 15 वर्षों से लगातार अपने कार्यों के पहचान से जानी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों के अलावा सरकार के अनेक समितियों में मुझे सदस्य बनाया गया है। इन समितियों में से एक प्रमुख समिति है जिला बाल कल्याण समिति, जो कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए उनके नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए पूरा कार्य करती है। और जनपद स्तर पे ऐसे कोई भी बच्चे जिनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उनको नीड की केयर या प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, उसके लिए लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था को इन सब प्रोग्राम को, इन सब कार्यक्रमों को चलाने के लिए राज्य सरकार की बहुत सारी विभाग हमें मदद कर रही हैं, जिसमें केंद्र सरकार के भी बहुत सारे विभाग हैं जो हमें मदद कर रही हैं, और हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें इस लायक समझा और समाज में कुछ कर दिखाने की, समाज के लोगों को कुछ करने के लिए हमें अपना प्रोत्साहन दिया। इसके साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत सारे निजी कंपनियां जो हमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से टाटा मोटर्स का मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए हमें अपने सीएसआर फंड के माध्यम से अनेक प्रोग्रामों को चलाने के लिए अपनी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से इतना कुछ कर पा रहे हैं, इसके पीछे हमारे टीम की, हमारी बोर्ड मेंबर्स की और खास करके हमारे पत्नी की एक विशेष सहयोग है। जो लोग रात को रात नहीं देखते हैं और दिन को दिन नहीं देखते हैं, लगातार हर माहौल में, अभी ये कोविड का टाइम है, फिर भी हमारी पूरी टीम लगातार लगी हुई है और अपना कंधा से कंधा मेरे कंधे के साथ मिला के चल रहे हैं, और उन्हीं की देन है कि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इतना कुछ कर पा रहे हैं। अपनी पूरी टीम को, अपने मेहनती हार्ड वर्कर्स, वॉलेंटियर्स को, अपने स्टाफ को, बोर्ड मेंबर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस हिसाब से आज हमारा साथ दे रहे हैं हमारी पूरी टीम, भविष्य में समाज के निरंतर प्रगति के लिए पूरा अपना योगदान देते रहेंगे। एशिया बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड के चयन हेतु मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से सारे ज्यूरी मेंबर्स को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, कुछ अवार्ड दिया जाए, तो उसकी कार्यप्रणाली में और सुधार होती है, मनोबल बढ़ता है और कुछ नया कर गुजरने की चाहत से वो आगे बढ़ता है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए रूला अवार्ड्स का भी हम हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ में वर्ल्ड रिसर्च कांग्रेस, जिन्होंने पूरा सहयोग किया है हमारे इस चयन के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस एशिया अवार्ड को ग्रहण करते हुए मुझे अंदर से, मन की गहराइयों से बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, और मैं इस अवार्ड को पाकर अपने आप को और समर्पित करूंगा समाज के प्रति, जिससे कि समाज को मेरे द्वारा जो भी लाभ मिल सकता है, जीवन पर्यंत मिलता रहे। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।